नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में, कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम 100। बसवराज बोमई ने ली कर्नाटक के नए सीएम पद की शपथ, लिया लगे भारत माता के जय के नारे। राहुल गांधी ने कहा विपक्ष को बदनाम कर रही सरकार पे गैस महंगाई के मुद्दे पर हम नहीं करेंगे समझौता। कश्मीर में घुसने की फिराक में अफगानिस्तान में लड़ चुके लश्कर और जैश आतंकी 5 और 15 अगस्त को कर सकते हैं हमला, खुफिया विभाग को मिली जानकारी। निजी अस्पताल नहीं खरीद रहे 25% वैक्सीन, कोटे में कटौती कर सकती है सरकार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 4 की मौत, 39 लापता, कई पुल बहे। हिमाचल के कसोल में लगा टोल बैरियर, घाटी में एंट्री के लिए चुकाने होंगे 50 से 500 रुपए। रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी के रूप में ई रुपया का आइडिया किया पेश। भारतीय मूल के संजीव सहोता की किताब चाइना रूम बुक कर पुरस्कार को के दावेदारों में हुई शामिल। आईएसआई ने आतंकी कमांडरों को दिया निर्देश, भारतीय खुफिया एजेंसी के लोगों को बनाए टारगेट। वैक्सीन प्रशिक्षण में भाग लेने वालों को प्रमाण पत्र देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्र ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का मांगा ब्यौरा, सूचना को संसद के मॉनसून सत्र के समाप्त होने से पहले रखेगी सरकार। जायडस कैडिला ने डीसीजीआई को अतिरिक्त डाटा सौंपा, अगस्त में वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल पर होगा फैसला। देश में कोरोना की तीसरी लहर का गहराया खतरा, 10% कोरोना संक्रमण दर वाले बड़े जिले। केजरीवाल सरकार के दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया ऐलान, दिल्ली में अगले 5 साल नहीं बढ़ेगी बिजली दरें। राजकुंद्रा के कानपुर में 2 बैंक खाते जब्त, उनकी प्रोडक्शन कंपनी के कर्मचारी की पत्नी को ट्रांसफर होता था पैसा। आगरा में आर्मी से रिटायर्ड वृद्ध ने की आत्महत्या, लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली, मामले की जांच पर जुटी पुलिस। औरैया में ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ हादसा, हादसे में 1 की मौत, 2 मासूम हुए घायल। औरैया बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी द्वारा ऑडिट के नाम पर शिक्षकों से पैसे वसूली का वीडियो हुआ वायरल, बीएसए ने दिए जांच के आदेश। आजमगढ़ में शॉपिंग मॉल पर पुलिस बल का छापा, ब्रांडेड जींस की डुप्लीकेट बेचने पर केस दर्ज। बांदा में दबंगों द्वारा परिवार को किया गया परेशान, परिवार ने पुलिस को दी तहरीर, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई।
बुलंदशहर में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस अभ्यर्थियों के जत्थे ने बापू भवन पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। मैनपुरी में 40 दिन बाद निकाला गया कब्र से शव, कुछ दिनों पहले पड़ोसियों द्वारा युवक की पीट पीट कर कर दी गई थी हत्या, आरोपी पक्ष द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग। रायबरेली में शराब माफियाओं पर नहीं लग रही लगाम, अवैध शराब को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। रायबरेली में एसपी कार्यालय परिसर में किया गया वृक्षारोपण, चंदन और रुद्राक्ष के लगाए गए पेड़। रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से कई लोग घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, दहेज की बलि चढ़ी, विवाहिता मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। शाहजहांपुर में किसान पर तेंदुए ने किया हमला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बलिया में वैक्सीन लगाने को लेकर हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल। शहर में महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे शिवसेना के कार्यकर्ता। कुशीनगर में सरकारी पैसों का हो रहा बंदरबांट, योजना के नाम पर पैसों की हुई बर्बादी। सीतापुर में मकान की कच्ची दीवार गिरने से लड़की की हुई मौत, परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस। आगरा में पानी से भरी बाल्टी में डूबा बच्चा, बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची मां, डॉक्टरों ने बच्चे को किया मृत घोषित। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 18 यात्रियों की मौत, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। यूपी मदरसा बोर्ड के छात्रों के लिए केंद्र में सरकारी नौकरियों की खुली राह, सेना में भी हो रहा छात्रों की भर्ती। यूपी में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के लिए लगेंगे विशेष शिविर, ग्राम प्रधानों का भी लिया जाएगा सहयोग। मुजफ्फरनगर में महापंचायत की तैयारी, भाकियों ने घोषित किए मेरठ समेत 18 मंडलों के प्रभारी। रोहिंग्या महिलाओं व बच्चों को तस्करी में यूपी से 3 गिरफ्तार, 1 आरोपित बांग्लादेश व 2 म्यांमार के हैं निवासी। मुरादाबाद में सांसद आजम खान की रिहाई के लिए उठाई आवाज, शहर में निकाला मशाल जुलूस।
में भाजपा नेता की मां व बेटे की हुई हत्या, पत्नी व बेटी की हालत गंभीर। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी का सभी कमिश्नर और डीएम को निर्देश, हर महीने बैठक कर कर्मचारी संगठनों की मांगों को करें निस्तारण। वाराणसी में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, राहुल गांधी को अभी राजनीति की लेनी चाहिए सीख। यूपी के स्वास्थ्य विभाग पर बरसे सीएम योगी, कहा लापरवाही से हुई मरीज की मौत तो अफसरों पर भी होगी कार्रवाई। हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से दूसरे राज्यों के जिलों को भेजा गया गंगाजल, दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगाजल के 4 टैंकर हुए रवाना। देहरादून में हंस फाउंडेशन की सराहनीय पहल, सीएम ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। हरिद्वार में एसएसपी ने नॉर्थर्न बॉर्डर का किया निरीक्षण, कांवर यात्रा पर प्रतिबंध के बाद मुस्तैद पुलिस, उत्तराखंड की सीमाओं पर भी फोर्स तैनात। हरिद्वार के सिचकुल में 2 मोबाइल चोरों को स्थानीय नागरिकों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। लक्सर में एसएसपी ने थाने का किया निरीक्षण, थाने में सफाई देखकर पुलिसकर्मियों की तारीफ। पौड़ी में डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर की गई चर्चा। रुड़की में परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप, मृतक का इलाज करने के नाम पर अस्पताल ने की वसूली। ताजपोशी पर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष गोदियाल बोले, सूबे की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के लिए उत्तराखंड विधानसभा का 23 अगस्त से शुरू होने वाला है 5 दिवसीय मानसून सत्र, कई मायनों में रहेगा अलग। नोटिस पर भड़के आउटसोर्स कर्मचारी, देहरा खास स्थित दून मेडिकल कॉलेज परिसर में किया प्रदर्शन। उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, 1 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, पीएससी के छात्रों को तोहफा। कोरोना जांच में सुस्ती पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हुए सख्त, कोरोना जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश। भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जीएसटी इंटेलिजेंस का छापा, प्रारंभिक जांच में करीब 10 करोड़ रुपए की पकड़ी हेराफेरी। पूर्व सैनिक से नाजीरियन ने फेसबुक पर दोस्ती कर ठगे 22.39 लाख रुपए, एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। नैनीताल के एसिड अटैक मामले के आरोपी चंद्रशेखर, 10 साल कैद व 15,000 जुर्माना, पत्नी व बच्चों की हत्या का मामला विचाराधीन। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी, देहरादून में सड़कें हुई जलमग्न, नदी नाले आए उफान पर। उत्तराखंड में बिजली कार्मिकों की हड़ताल खत्म, सरकार ने मानी मांगे, लिखित सहमति मिलने के बाद माने क्रमिक संगठन।
रकम दोगुनी करने के नाम पर 10 करोड़ की धोखाधड़ी, बीमा कंपनी रातों रात हुई फरार। उत्तराखंड कैबिनेट ने चार धाम और पर्यटन सेक्टर को दी 197.85 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की सौगात। उत्तराखंड कैबिनेट ने एसीपी व वेतन विसंगति पर बनाई कमेटी, कर्मचारी नेताओं ने कहा छलावा। ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 मामलों में हुई बढ़ोतरी, सिडनी में 4 सप्ताह तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। अमेरिका में फिर बिगड़ रहे कोरोना के हालात, डेल्टा वेरिएंट से बड़ा खतरा, कई इलाकों में लौटा मास्क पहनने का नया। दक्षिण कोरिया में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ कोविड-19 मामलों की दस्तक, सरकार की बड़ी चिंता। दूसरा परमाणु मिसाइल ठिकाना बना रहा है चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुई पुष्टि। अमेरिका में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की अनिवार्यता के फैसले पर विचार कर रही बाइडेन सरकार। पाकिस्तान दौरे पर है सऊदी विदेश मंत्री, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साथ काम करने पर हुई सहमति। गुलाम कश्मीर में पाक सेना के खिलाफ बगावत, इमरान मुर्दाबाद से गूंजी घाटी, चुनावी धांधली के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। बलूचिस्तान में रहने वाले करोड़ों कश्मीरी शरणार्थियों ने पीओके चुनाव में दिखाई कम दिलचस्पी। पाकिस्तान का चेहरा फिर हुआ बेनकाब, हिंदू लड़कियों को फर्जी कागजात से बनाया जा रहा मुस्लिम। पाकिस्तान ने की घोषणा, 14 अगस्त तक अफगानिस्तान के साथ सीमा पर बाड़ लगाने का काम हो जाएगा पूरा। चीन की वैक्सीन सिनोवैक से बनी एंटीबॉडी 6 महीने बाद बेअसर, लेनी पड़ेगी बूस्टर डोज। इक्वाडोर ने कैंसिल की जूलियन असांजे की नागरिकता, जूलियन कोर्ट में दायर करेंगे अपील। श्रीलंका में घर में कुआं खोदते हुए मिला 510 किलोग्राम का नीलम, 10 करोड़ डॉलर की कीमत गई आंकी। तालिबान के डर के साए में दोबारा शुरू होंगे स्कूल, कोरोना के चलते लगे थे ताले। पाकिस्तान के शहरोज काशिफ ने फतह किया K2 पर्वत, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हांगकांग में वैक्सीन लगवाने पर मिलेगा रिटर्न गिफ्ट, रोलेक्स घड़ी, टेस्ला से 10 करोड़ कैश तक का मिलेगा उपहार। सऊदी अरब की सख्ती, भारत अफगानिस्तान समेत रेड लिस्ट वाले देशों में जाने पर लगेगा 3 साल का बैन। यूएई जाने वालों का इंतजार और बड़ा, एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट्स 2 अगस्त तक कैंसिल।
अफगान सुरक्षा बलों ने तालिबान को दी पटकनी, वापस लिया कालदार जिले का कब्जा। अनलॉक हो चुके ब्रिटेन में घर घट रहे कोरोना के मामले, एक्सपर्ट हुए हैरान। किर्लोस्कर परिवार में विरासत पर विवाद, संजय ने बाकी भाइयों द्वारा संचालित कंपनियों पर लगाया विरासत छीनने का आरोप। सरकारी कर्मचारियों का डबल फायदा, केंद्र ने महंगाई भत्ते के बाद एचआरए में भी की बढ़ोतरी। किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम, अब बड़े पैमाने पर होगा नैनो यूरिया का उत्पादन। मारुति सुजुकी लॉन्च करने वाली है दो नई सीएनजी कार, कीमत होगी सिर्फ 6 लाख रुपए। जल्द बदलने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा का लोगो, एक्सयूवी 700 के साथ होगी शुरुआत। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का अपना दूसरा मुकाबला जीता, ग्रुप जे के मुकाबले में हांगकांग की एनगान यी चे युंग को हराया। भारतीय तीरंदाज तरुणदीप राय मेंस सिंगल्स में मेडल की होड़ से हुए बाहर, राउंड ऑफ 16 एलिमिनेशन के मुकाबले में इजराइल के ईटे शैनी ने शूट ऑफ से हराया। हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शाह सहित 9 खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर। इंग्लैंड में खेले जा रहे द 100 टूर्नामेंट में स्मृति मंधाना ने छक्का लगाकर जिताया टीम को मैच, 39 गेंदों में नाबाद 61 रन ठोके। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 3-0 से दी शिकस्त, जीत दिलाने में सिमरनजीत और रुपिंदर पाल की रही अहम भूमिका। नैनीताल में 40 दिनों तक ब्लर की शूटिंग करेगी तापसी पन्नू, रामगढ़ भवाली और सत्ताल में भी जाएंगी टीम। पोर्नोग्राफी केस के आरोपी राज ने की ठगी, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर अहमदाबाद के व्यापारी से करवाया था इन्वेस्ट। विवादों से घिरने के बाद कुछ दिन और सुपर डांसर 4 के सेट से दूर रहेगी शिल्पा शेट्टी, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा करेंगे शो जज। टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया के मेडल विनर्स को लाइफ टाइम फ्री मूवी दिखाएगा आईनॉक्स, बाकी एथलीटों को 1 साल तक फ्री मूवी। अजय देवगन की रुद्र में अतुल कुलकर्णी की हुई एंट्री, फिल्म में अजय और अतुल पहली बार आएंगे साथ, रुद्र से अजय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करेंगे डेब्यू। प्राइम 100 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा, जल्द हाजिर होंगे।